मैं भी दिया था वरासत करने के लिए उनको 1000 रुपया मेरी माँ जब खेत नहीं था। तो इतना लोगों पैसा फंस गया फिर आप कहे दे दिए? हम सबसे पहले दे दिए। अच्छा आप सबसे पहले वाले देखिएगा, ये सबसे पहले वाले हैं जो पैसा दिए हैं। नहीं बोलता, भाग जाता है, बोलता बाद में मैं कर। डर जाता है आपसे? डर नहीं जाता है, वो चुतिया बना के लेके भाग जाता है पैसा। इस समय हम कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं और मैं लेकर आया हूँ लुटेरे लेखपाल की कहानी। जी हाँ, ये मैं नहीं कहता, ये ग्रामीण कहते हैं। ये तहसील तुलसीपुर के लोग हैं और कूड़ी गांव में रहते हैं। ये बताएंगे उस लुटेरे लेखपाल की कहानी। बताइए क्या स्थिति है गांव में, लेखपाल क्या करता है? स्थिति तो बहुत डैमेज है। जब हमारे यहाँ बाढ़ था, ना बाढ़ के पहले लेखपाल आया, ना बाढ़ के समय में आया लेखपाल। समस्या में नहीं आया, पैसा लेने तो आया। जी सर, जब हम लोग को जो किट बट रहा था, किट बांटने में भी हमारे ग्राम सभा के हरबसपुर और कोड़ी से समथिंग हमारे पास लिस्ट है। बताना चाहेंगे कि ये जो कोड़ी के हैं, कोड़ी के करीब 23 नाम हैं, उनको किट भी नहीं दिया गया। ये हरबसपुर का 16 लोग को किट नहीं दिया गया। ये बोले कि लेखपाल का एक वीडियो आया है, उसमें पैसा लेते दिख रहा है, वो कौन है? वो लेखपाल ही है, हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद किट की बात ही ख़त्म हुई। अभी जब ये जो बाढ़ राहत की ये है, उस पर जब नोट करने आए, सब ग्रामीणवासी से बोले कि हमें आधार कार्ड और बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर नकल, उसके बाद ये दीजिए। सब लोगों ने इकट्ठा किया तो उन्होंने मांग किया, किसी से 100 रुपया मांग किया, किसी से 200 मांग किया। तो अभी हमारे सस्ते में निपटा दिया आपको? नहीं, हाँ ऐसे ही है, बट ये और समस्या है। किसी से ने अभी, ये तो बाढ़ की समस्या है, अभी बाढ़ से पहले हमारे गांव में ही वरासत का किसी से 1000 रुपया ले रहे हैं। वरासत का पैसा किससे लिया? आप आगे आइए। कितना पैसा लिया लेखपाल ने? एक बार 2000 लिया, एक बार 2000 लिया, फिर मैं बोली करने के लिए, फिर 500 रुपया। हिसाब नहीं मांगा आपने? नहीं बोलता, भाग जाता है, बोलता बाद में मैं कर। डर जाता है आपसे? डर नहीं जाता है, वो चुतिया बना के लेके भाग जाता है पैसा। बोलता है कि अभी बाद में मैं कर देगा अगर ज्यादा। कितना दिन हो गया पैसा दिए? कितना दिन हो गया, 7-8 महीना हो गया होगा। और किसने पैसा दिया लेखपाल को? ये पैसा मैं भी दिया। कितना दिए? 500 रुपया। काहे के लिए दिए थे? वरासत चढ़वाने के लिए, लेकिन वरासत चढ़ाया नहीं मैंने। कब दिए थे? 1 साल हो गया। कहीं शिकायत किए उनका? नहीं, कुछ नहीं किया, कहीं गया। मतलब बाढ़ में पैसा वसूली हुआ है? 200 रुपया। आप भी दिए थे? हाँ। कितना दिए? 200 रुपया। 200 रुपया खुद ही लिए थे, कोई और लिया था? नहीं, लेखपाल लिया था। लेखपाल का लड़का लिया। आप बताएं, आप अभी बता रहे थे। मैं भी दिया था वरासत करने के लिए उनको 1000 रुपया। मेरी माँ जब एक्सपायर हुई तो मेरे माँ के नाम पे खेत। नहीं तो इतना लोगों पैसा फंस गया फिर आप कहे दे दिए? हम सबसे पहले दे दिए। अच्छा आप सबसे पहले वाले, देखिएगा ये सबसे पहले वाले हैं जो पैसा दिए हैं। जो लेखपाल जिस दिन हमारे गांव में पहला आया, कदम रखा, गाड़ी हमारे दरवाजे के सामने खड़ा किया, उसने पूछा कि यहां का प्रधान कौन है। मैं बोला प्रधान हरबसपुर का है और सट्टू नाम है उसका, पासवान है वो, तो उसने सोनावलकर है। तो उसने बोला कि प्रधान का नंबर है? मैं बोला मेरे पास नहीं है उसका नंबर। तो वो बोला मैं यहाँ का लेखपाल हूँ, नया आया हूँ और ज़्यादा दिन टिकता नहीं हूँ जहाँ जाता हूँ वहाँ, क्योंकि वसूलते रहते हैं। हाँ, तो वो आया, इतना बात हमसे बोला। उसके बाद में वो गया, प्रधान से मिला और सबको अपना परिचय बताया। फिर 15 से 20 दिन के बाद में हमारे गांव में आया, एक निषाद के यहाँ बैठा और बोला कि जिसको जिसको वरासत करवाना है करवा दो। हमने अपने माँ के लिए वरासत करने के लिए उसको ले जाके 1000 रुपया दे दिया। वो बोला कि मतलब ठीक है, हो जाएगा। कुछ दिन के बाद जब वो हमको मिला तो मैं बोला भाई हमारा वरासत हो गया? तो बोला वरासत अभी नहीं हुआ, आप अपने भाइयों का आधार कार्ड और जो है ये नकल निकाल के दे दो। तो मैं बोला कि भाई आपको 1000 रुपया दिया था नकल निकाल के करने के लिए और आप बोले थे हमारे आधार पे। मतलब 1000 लेने के बाद फिर अलग से पैसा मांगा? हाँ। तो मैं बोला कि भाई जब मैं पैसा दे दिया तो आप उसमें कर दो। तो बोलता अच्छा ठीक है, मैं करवा दूँगा। वो नहीं किया। बाद में हमारे पिताजी भी एक्सपायर हो गए। तो अगले साल तो फिर वो बाढ़ आया था, बाढ़ का राहत लिखने के लिए आया था, सब लोग से पैसा ले रहा था 100-100 रुपया। हमारे पास वरासत नहीं हुआ था इसलिए हमने नहीं लिखाया।
तो नेकपाल हमसे फिर बोला कि आप वरासत का भी पैसा दे दीजिए, अपने पिताजी का भी, दोनों तुम्हारे माँ का और तुम्हारे पिताजी का साथ में सब कर देंगे। लेकिन हमारा अगला पैसा डूबा हुआ था, इसलिए हमें उसको दोबारा पैसा नहीं दिया। आज यहाँ कहाँ शिकायत करने आए थे? आज मैं DM साहब के पास डायरेक्ट शिकायत करने के लिए आया हूँ। और अपने बेटी का हमारे पास, मैं महाराष्ट्र में था तभी हमारी लड़की पैदा हुई थी, तो उनका वहाँ पर आधार बनवा लिया था। वो आधार चेंज करने के लिए हमने यहाँ पे निवास बनाने के लिए उसके पास ऑनलाइन किया था, तो हमसे 1500 रुपया बोला निवास बनाने का। निवास बनाने, सुनिएगा, निवास बनाने का 1500 रुपया ले रहे हैं लेखपाल साहब। 1500 रुपया उसने बोला, वो नेकपाल डायरेक्ट नहीं बोला, उसका कोई मुनीम था, मतलब वो नेकपाल को ऐसा लगता है गांव तुम्हें सबसे बड़े आदमी हो, तुम्हें सबसे ज्यादा पैसा ले रहा है, उससे बहुत बड़ा आदमी दिखाई दिया। तो उसने उसका कोई PA मतलब है, वो बोला मैं नेकपाल नहीं हूँ, मैं साहब लोग से काम करवा के आपको देता हूँ, इसलिए हम जुगाड़ भी लगाता है, अपने खीसे से पैसा डाल रहा हूँ, आप इतना पैसा दे दो। मैं बोला भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं हो पाएगा। उसने रिपोर्ट नहीं लगाया, वापस कर दिया मेरा कागज, बना नहीं कागज। और बताइए आप पैसा दिए हैं क्या लेखपाल को? हाँ, पैसा मैं नहीं दिया हूँ, मैं तो जब विवाद हुआ तो उसके बाद में मैं पहुँचा, तो पैसा मैं नहीं दिया हूँ, लेकिन भ्रष्ट बहुत है नेकपाल। क्या चाहते हैं, बदल जाए? हाँ, बदल जाए, वो यहाँ DM साहब देख रहे हैं हमारा वीडियो, आप एक बार भैया सस्पेंड हो जाए, बदल नहीं जाए, वो इतना भ्रष्ट नेकपाल आया है। टंडन जो है वो तो इतना बड़ा बाघ खाऊ है कि वो मतलब वो और कौन पैसा दिया था, और कोई दिया है क्या लेखपाल को पैसा? आइए यहाँ आइए, वरासत का 1000 रुपया दी है वरासत का। हाँ, और मान नामों गलत कर दिया है, मतलब करा दिया वरासत ना, तब तो ईमानदारी दिखाया, खाली नाम है तो गलत है, थोड़ा पैसा और दीजिएगा तो हो जाए। नामों गलत किया भैया, हमारे को दौड़ेगा तो भैया है, पैसा लेके नहीं किया, मेरा नहीं किया, पैसों लेके नहीं किया, अभी तक टहल रही है। हाँ, ये कि मेरे पास भाई कोई नहीं, मेरे छोटे छोटे 2-3-4 बच्चे हैं, मेरे पति नहीं है, मैं अकेले रहती हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी किसी। आइए चाचा, आइए, क्या कहना चाहते हैं, आइए आइए। साहब हमारे क्या बहुत परेशानी, नहीं लेखपाल की बात कर रहे हैं, लेखपाल का। हाँ, तो लेखपाल ना रहा है हमारे गाँव में, तो उसको बदल दें, बदलना है, सस्पेंड बजाय मुअत्तल हो जाए। DM साहब वीडियो देख रहे हैं, कहिए क्या कहना चाहते हैं। साहब उसको मुअत्तल ही कर दिया जाए, मुअत्तल कर दिया जाए। हाँ, तो देखिए, ये कूड़ी गांव के लोग थे, और इनकी मांग है कि जो लेखपाल इनके यहाँ पोस्ट है वो एक नंबर का भ्रष्ट आदमी है, ये हम नहीं कहते, गांव वाले कहते हैं, ठीक है, जांच करा लीजिए, और इनकी मांग है कि उसे मुअत्तल कर दिया जाए। बलरामपुर से सुशील मिश्रा।